मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान की 15 अगस्त से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से निकाली गई अगस्त क्रांति पद यात्रा गुरुवार को भोपाल के कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां वरिष्ठ नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस की अगस्त क्रांति पदयात्रा भोपाल पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक कुणाल चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कमलनाथ ने यात्रा के समापन पर सभा को संबोधित करते हुए पदयात्रा के लिए नूरी खान को बधाई दी और कहा कि पूरे प्रदेश में एक संदेश गया है। कमलनाथ ने आगे कहा कि बीजेपी किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लेकर बताए जो आजादी के आंदोलन में शामिल हुआ हो। उन्होंने कहा कि नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज हमें राष्ट्रभक्त का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का संदेश देश की संस्कृति को पहचानना और बचाना है। 50% नफा होगा मोदी जी। 12 दिन की यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय है। कभी सोचा नहीं था कि उज्जैन से भोपाल तक पैदल चलकर आऊंगी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि प्रदेश को एक क्रांति की जरूरत है और अगस्त क्रांति से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल था, युवाओं के रोजगार का सवाल था, अतिथि शिक्षकों की आवाज बुलंद करनी थी, महंगाई के खिलाफ मुखर होना था। इन सारे बिंदुओं को लेकर मैंने कम से कम 325 किलोमीटर की पद यात्रा आज पूर्ण की है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वयं समापन कार्यक्रम में मौजूद रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिला है। और ये जो लड़ाई है महिला सुरक्षा की, युवाओं के रोजगार की, महंगाई के खिलाफ, ये लड़ाई का आगाज जो हमने किया है, ये लड़ाई हम लड़ते रहे।